नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कौरवों के समय में स्थापित किया गया एक अनोखा मंदिर है, जहां पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर का इतिहास तो काफी पुराना है, ही साथ ही इससे जुड़ी कई अचंभित बातें सामने आई है। यह मंदिर भगवान बजरंगी बलि को समर्पित है। यहाँ पर हर शनिवार और मंगलवार को भक्तों का बड़ा तांता लगता है। मनोकामनाएं पूरी होने की वजह से इस मंदिर में भक्त देश विदेश से भी आते हैं। बता दें कि मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। आइए विस्तार में इस मंदिर के इतिहास और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की वजह को जानें। बजरंग बली के इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल है क्योंकि यहां पर बिना रुके 24 घंटे मंत्रों का उच्चारण होते रहता है। 1 अगस्त 1964 से ही इस प्राचीन मंदिर में लगातार बिना रुके श्री राम, जय जय राम का जाप चलते रह रहा है। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि पांडवों ने की थी। दरअसल दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, जिसे पांडवों ने अपने समय में यमुना नदी के किनारे बसाया था। इसी दौरान उन्होंने इस प्राचीन हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी, उसमें से यह बजरंगबली का मंदिर एक है। दिल्ली का यह प्राचीन मंदिर कनॉट प्लेस में खड़क सिंह मार्ग में है। यहां पर मेट्रो से पहुंचने के लिए भक्तों को पहले राजीव चौक उतरना होगा। वहां से थोड़ी ही दूर पर यह मंदिर है। भक्तों की यहां आए दिन भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्त सड़क मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।